नागपुर शहर में ऑटो चालकों की भूखमरी की नौबत। ऑटो चालक अपना ऑटो चलाकर पेट भरने वालों पर आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि नागपुर शहर में बहुत सारे सिग्नल पर ऑटो चालक को सवारी नहीं मिलती, फिर वह अपना घर कैसे चलाएंगे? यह मुद्दा प्रशासन के सामने खड़ा हो चुका है। ऑटो चालकों की मांग है कि उन्हें 3 महीने का पैसा दिया जाए जिससे वह अपना घर चला सके। और कुछ ऑटो चालक ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस जब से फैला है तब से ऑटो चालकों को सवारी नहीं मिल रही है। ऑटो चालक बेबस लाचार परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर होते जा रहे हैं। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए नागपुर से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। मिल रही आपको सवारी मतलब आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है? आप क्या प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है? आप क्या मांग करना चाहते हैं? यूपी बिहार ने जो पैसे दिए हैं ऑटो वालों को, जो यूपी बिहार ने जो पैसे दिए हैं महीने के, वो हमको भी वही नागपुर में पैसे होना। जो 5-5 हज़ार रुपये जो दिए केजरीवाल ने, भैया नागपुर में ही होना ना। ऑटो वाले ऐसी उपासी मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। कल दो ऑटो वालों ने लागू किए थे नियम, 5-5 हज़ार रुपये रखो दिए केजरीवाल सरकार ने ऑटो वालों को, थोड़ा सा उनको सहूलत मिल गई। वही चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे हो जाए, थोड़ा सा हमको सहूलत मिल जाए तो हम थोड़ा संतुष्ट हो जाए। कोरोना तो सबको फैल रहा है, ऐसा नहीं है कोरोना नहीं फैल रहा है। कोरोना खतरनाक बीमारी है, सब मान्य है हमको। बस इसीलिए हम चुपचाप बैठे हैं क्योंकि हमारे परिवार में हमारे ऑटो वाले कोई भी भाई लोग तो ये फाइनेंस वाले परेशान कर रहे हैं। अभी मार्च महीने तक अगर आगे वाले फाइनेंस